थोड़े और भी कमिटमेंट्स साथ साथ में है, तो ट्रैवल भी कर रहा हूँ, वो भी ख़त्म कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में नहीं तो मैं ज़रूर आता। हाँ हाँ, बस बोलते रहते रहो, मैं हाथ जाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yeah, we had a discussion over I mean, he looks good in beard, so at least kuch to rakhu upya. Ji. See, it's not slow. I mean, when the society keeps commenting on you, the confidence is not there. You somewhere feel little low about how people are looking at you. So it's not slow, it's just not very interactive with people, I would say. Yeah, so not very slow. I would say he doesn't really go and talk too much to people because he's always aware that koi na kuch bol dega. So better ki apne aap mein rahun, apne logo mein rahun. So if you see, there are hardly any friends of him. Char dost dikhaye picture mein. So wohi circle hota hai. Ye fish apne room mein ek fish tank hai. Usse kaafi interaction hai. So that's his goal. So I think, yeah. Hi, kaise hain aap? इनिशियली जब मैंने इस बारे में डिस्कशन हुई थी तो व्हेन आई हैव डन द लुक डिस्कस हुआ था कि कौन सा लुक करना है, तो ओवरऑल जो अटायर था, प्रोस्थेटिक्स थे, तो रिएक्शन ये था कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट। एक पॉजिटिव वाइब थी उस बारे में, ये कैरेक्टर भी बड़ा स्वीट है और इसमें एक आपको एक सिंपथी आती है कि जिस तरीके से वो चाहता है, इतने रिजेक्शन हो चुके हैं, फिर से जाता है रिश्ते के लिए, तो उसकी जो जर्नी है उसके दौरान बहुत काफ़ी एक्सप्लोर करा है मैंने। मतलब मैं उसमें आई थिंक मेरे फ्रेंड भी हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, मतलब एंड देर आर पीपल हु वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो आई एम ए फ्रेंड हु वर्क्स इन अ शिप एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड ही इज़ कैरीड हिमसेल्फ लाइक एनीथिंग। और काफ़ी लोग हैं जो नहीं है, पर वो आई थिंक ये एक सोच होती है, हम आई थिंक काफ़ी चीज़ों को लेके कॉम्प्लेक्स रहते हैं। मतलब कोई कहता है कि मैं यार बहुत मोटा हूँ या पतला हूँ, तो वो एक वो वाली बात है कि आपके जहन में रह जाती है, बट अगर आप उस बारे में ना सोचो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इतना परफेक्ट है। तो उसके बाद जैसे जो है कि जैसे जो कॉलेज की जो लड़की उसके साथ आपका अफेयर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको और भी जैसे इस तरीके से मतलब ये पिक्चर का कुछ खराब हो गया, इम्प्रेशन कैसे लगा? आई थिंक सर ये एक रोल है जो मैंने प्ले करा है और मेरा जो जॉब है उस हिसाब से ही मैंने प्ले करा है, और काफ़ी लोग जाते हैं थिएटर। सो एक जर्नी है जो एक बंदे की है और ह्यूमरस साइड है उस चीज़ को, पर ये आपने काफ़ी बार देखा होगा जब आप कोई मूवी करते हैं, मूवी देखते हैं, काफ़ी लोग हंसते हैं चीज़ों को लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कैरेक्टर को लेके ऐसा कुछ है, इट्स अबाउट टू डू विद द राइटिंग ऑल्सो। लाइक समवेयर इफ आई हैव गेट अ मूवी आई डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इफ देर इज़ अ लाफ्टर एंड यू लाफिंग अबाउट इट, तो आई थिंक इट्स ओके, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मुझे तो नहीं बिल्कुल टीचर का कैरेक्टर इसलिए आपको लग रहा होगा, अगर नॉर्मल एक इंसान होता तो आपको मे भी नहीं लगता। मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक कोई गलत तरीके से नहीं कुछ हो रहा है कि नॉर्मली एक लड़की को अप्रोच करा जैसे आपने कली गए, तो ऐसा जब लड़की ने मना कर दिया तो ऐसा सीधा निकल गया, आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दो बार तीन बार पीछे नहीं पड़ा है, तीनों टीचर के सीन है ऐसे हुए आते हैं थिंक क्यों पीछे, क्योंकि पहली बार लड़के हाँ क्योंकि क्या पहली बार लड़की साथ में बैठी है, तो वो भी लाइफ में कोई लड़की साथ में आई, कोई अफेयर नहीं हुआ है, तो कभी हुआ नहीं ना ये, तो इसलिए है वो, तो वो रिएक्शन है उसके जो वो चीज़ों से गुजर रहा है। तो
बहुत बढ़िया है, कलेक्शन अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा फैला हुआ है, सोशल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से, काफ़ी लोग हमसे बात कर रहे हैं मैसेंजर पे चैट करके, तो आई थिंक लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और वही वजह से कलेक्शन भी आ रही है इनफैक्ट आउट से। नहीं ऐसा नहीं कि पहली फिल्म है और असली फिल्म है कि मैं राइट लेके फिल्म बनाई और पहली फिल्म आई है तो पहली फिल्म है थिएटर में पहली फिल्म हमारी आई है तो वो मैं बोलूँगा और असली क्योंकि राइट लेके बनाई गई पिक्चर ऑफिशियली। नो मुझे पता चला था करीबन जनवरी के आसपास, तो हमने उनको फरवरी में नोटिस दिया था कि इसके राइट्स हमारे पास है और आप ये कैसे बना रहे हो, तो उन्हें बोला कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक टकला एक गंजे की कहानी है दोनों में। जब ट्रेलर आया तो काफ़ी कुछ मिलता हुआ लगा मुझे, तब फिर जो बातचीत चालू हुई तब बाद में जो चालू हुई। Actually, my first film that I did was Pyar Ka Panchnama 2 with Abhishek and Sunny. So I know them for almost 5-6 years Sunny, and I've worked... Yeah, so I think it was great working with them. I know them and they're more like friends and family to me. So yeah. Shooting? 40 days ke aaspaas. Yeah, 40 days. And yeah. अराउंड 4 महीने लगे पिक्चर प्रेप से लेके रिलीज तक। वही है कि हर एक इंसान को लगता है मेरे को बेस्ट मिले, मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल मिले या मेरे को बहुत ही स्मार्ट मिले। आई थिंक इट्स ऑल्सो विद डू विद द थिंकिंग एंड वही दिखाया गया है कि आप इन सब चीज़ों से ज़रा परे देखो कि एक बंदे का दिल कैसा है, अगर आप उससे प्यार करो तो अपने आप ही बहुत खूबसूरत है। मेरे को अभिषेक इन्होंने कॉल करा था तो इन्होंने बोला कि एक मूवी है वो ज़रूर देखना और मुझे देख के बताओ, तो मैंने देखी उसी वक्त और आई वॉज एक्साइटेड कि आई थिंक एज अ परफॉर्मर और मेरा जॉब है कि मैं परफॉर्म करूं और इफ़ आई गो टू द रेंज वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मुझे वो मौका मिला कि जहां मैं अपनी डिफरेंट तरीके से दिखा सकूं और अगर आगे भी मौका मिलेगा ना कैरेक्टर्स का तो मैं डेफिनेटली करूँगा एंड आई एम योर टू डू दैट सो आई रियली लव दैट। थैंक यू मैम। मतलब मैं हम एक दूसरे को जानते बचपन से, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो ये है कि कोई चीज़ें इन्हें लगती हैं तो इन्होंने फिर फ़ोन कर लिया कि मैम वही है कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्यार का मंचनामा मिलेगी या सोनू की टीटू मिलेगी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये मिलेगी, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर मैं कुछ करना चाहूँगा जो अलग है और मेरे को फेथ उस बात की है कि यू नो आई वांट टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो जो भी आएगा मैं अच्छा ही करूँगा, तो ये वो एक अच्छा काम है जो मुझे लगा था मुझे ये करना चाहिए। Which is under given through the film. जी सॉरी हाँ मतलब ये बोल सकते हैं सोल्यूशन दिया है जो बहुत आसान था, लोग समझ नहीं पा रहे थे तो समझाने की बहुत प्यार से कोशिश की गई है कि इतना मत सोचो यार, पहले जानो तो ये लोगों को। जी बहुत अच्छा हुआ है साबित क्योंकि मेरा कलेक्शन अच्छे हो गए, मेरा एक 8 को मेरा आना और उनका 15 को आना, 22 को मेरी खुद की फिल्म आ रही है तो वीक ही नहीं था, तो एक ही तरीका था कि एक को आना पड़ेगा, तो
तो आई थिंक जो फैसला लिया है सही लिया है. लोग आके देख रहे हैं थिएटरों में, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को, और टिकट भी खरीद के पैसे दे रहे हैं. तो या हाँ हाई नो आई नो. तो क्या क्या कभी वो मम्मी पता कि दिल्ली वाले तो देख ही लेंगे बिल्कुल, पर कुछ लोकेशन होता है कि यहाँ पे वो जो कौन सा लोकेशन था जहाँ पे हम लोग अंदर गए थे, कहीं और पर निकले कहीं और. तो फिल्मों में ऐसा होता है कि घर से निकलते निकलते कहीं और है, तो वो सिनेमैटिक चीज होती है. वो आप लोग कुछ लोग जिनको पता है वो पकड़ लेंगे, जिनको नहीं पता वो देख नहीं पाएंगे, वो वाली बात है. जी जी यार, मैंने फिल्म अभी देख नहीं पाया कि मेरे उस टाइम फिल्म का फाइनल कर रहा था, बट उस फिल्म में आई डोंट थिंक के एक गंजे आदमी की तकलीफों और उसकी प्रॉब्लम के बारे में फिल्म है. जहाँ तक मुझे मैं खैर देखी नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं शायद, कि मेरी फिल्म का मुद्दा ही अलग है पूरा. वो कैरेक्टर बोल्ड है बट नॉट द इशू विच आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब ऐसा नहीं है, बट जैसे कोई नई फिल्म शुरू होती है, इवन वो कॉमेडी है या सीरियस है, तो इनिशियल डेज बहुत चैलेंजिंग होता है टू गेट इनटू दैट टोन एंड द प्रोसेस, कि डायरेक्टर के साथ सिंक, क्या होगा क्या नहीं होगा. और जब एक चीज़ आप यूज्ड टू हो जाते हो और आप समझ लेते हो व्हाट योर डायरेक्टर वांट्स, देन आप फ्लो में चले जाते हो. मैं ना डिस्कशन जब करते थे और लाइंस पे रीडिंग करते करते और हर रात सोचना उस बारे में, फिर कॉल करके डिस्कस करना या मिलके डिस्कस करना, वो अपने आप हो जाता है. मतलब ऐसा विद द सीन्स, विद एवरी सीन व्हेन यू वर्क यू डू अ रीडिंग, वो हो जाता है. थैंक यू सो मच.